और इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ गुरुग्राम को कुशासन से मुक्त कराने के लिए, चुनाव लड़ रहा हूँ गुरुग्राम को ये जो नेताओं द्वारा दी गई समस्याएं हैं उनसे मुक्त कराने के लिए। और मुझे लगता है मैं तो शून्य पे सवार हूँ, और जिसका आधार ही शून्य होता है वो क्या ही कैसे बिकेगा, कैसे किसी को समर्थन देगा। हमारा अपना व्यक्तित्व है, अपना अस्तित्व है, देख रहा हूँ घूम रहे हैं, माएँ रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, वे कह रही हैं हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम ये नेता लोग कर रहे हैं। उनकी आत्मा को, उनकी ज़मीर को एक शराब की पेटी से, शराब की बोतलों से, चंद रुपयों से, साड़ी से, सूट से। देखिए, मेरा नाम अंकित अलग है, मैं सिद्धांतवादी जनसेवक हूँ। अंकित अलग गुरुग्राम में, पूरे हरियाणा में ना रुकेगा, ना झुकेगा, ना बिकेगा, क्योंकि जो मेरी नीतियाँ हैं वो लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। चुनाव का आज जो शोर शराबा होना था, आज उसका अंतिम दिन है, और सभी राजनीतिक पार्टियों के आज चुनाव प्रचार का एक तरह से शोर शराबा दिन बंद हो जाएगा। अब लोग बाग गुपचुप लोगों से मिलेंगे और अपने राजनीतिक या फिर 5 तारीख के मतदान के लिए लोगों से अपील करेंगे, घर घर जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, पर वो भी चुनाव आयोग की निगरानी में, कई चीज़ें होती हैं उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। हमारे बीच में जनसेवा क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग मौजूद हैं, जो कि अपनी पार्टी से स्वयं इस बार गुरुग्राम विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं। सबसे पहले अंकित जी, आप पूरे हरियाणा के अंदर अपने कई प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं और भ्रमण करके आए, क्या माहौल है जनसेवा क्रांति पार्टी का और तमाम राजनीतिक दलों का? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं अभी सिरसा गया था, हिसार गया था और मैं करनाल गया था। वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। वहाँ के लोग एक नए विकल्प चाहते हैं, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और हमने जिनको टिकट दी है वो बहुत ही साधारण परिवारों से आते हैं, और मुझे लगता है जनसेवा क्रांति पार्टी का नाम आज 6 की 6 विधानसभा में हर घर घर तक पहुंच चुका है, और मुझे लगता है ये हमारे लिए उपलब्धि भी है। बहुत कम समय में हमारी टीम ने इतना जो मेहनत किया वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक लोग हर घर तक नाम पहुँचाया, तो जीत या हार तो एक परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है, तो इसी सिद्धांत के साथ हम काम कर रहे हैं। वोट परसेंटेज तो बढ़ ही रहा है। हाँ बिल्कुल, जो लोग हैं, लोग विकल्प देखते हैं वो ज़रूर इस बार कलम को पसंद कर रहे हैं, पेन को पसंद कर रहे हैं और जनसेवा को पसंद कर रहे हैं। तो अंकितल जी, इस बार चुनाव में आपने देखा होगा कि लोग बाग खड़े हो जाते हैं और समर्थन दे देते हैं, तो अंकित अलग के पास भी तो विकल्प थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी से पहले जुड़े रहे होंगे, और इस बार अगर अंकित अलग भी औरों की तरह अगर सोच लें कि मुझे अगर जन समर्थन देना है और किसी पार्टी को देना है, तो फिर अंकित अलग पीछे तो नहीं रहते, परंतु दिया क्यों नहीं? देखिए, मेरा नाम अंकित अलग है, मैं सिद्धांतवादी जनसेवक हूँ। अंकित अलग गुरुग्राम में, पूरे हरियाणा में ना रुकेगा, ना झुकेगा, ना बिकेगा, क्योंकि जो मेरी नीतियाँ हैं वो लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने की है, लोगों की सेवा करने की है, लोगों की आवाज़ बनने की है, और इन पूंजीपति नेताओं को सबक सिखाने की है। बेशक आज हम 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, विकास की बात करते हैं, और जिसने घाव दिया है उसको जिम्मेदार भी ठहराने का हम काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से आप देख ही रहे हैं, मकान जी में काम कर रहा हूँ, और इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ गुरुग्राम को कुशासन से मुक्त कराने के लिए, चुनाव लड़ रहा हूँ गुरुग्राम को ये जो नेताओं द्वारा दी गई समस्याएं हैं उनसे मुक्त कराने के लिए। और मुझे लगता है मैं तो शून्य पे सवार हूँ, और जिसका आधार ही शून्य होता है वो क्या ही कैसे बिकेगा, कैसे किसी को समर्थन देगा। हमारा अपना व्यक्तित्व है, अपना अस्तित्व है। आगे अब जिस प्रकार से अब चुनाव का आज अंतिम दिन है, आप देख रहे हैं लोग बाग अब एक लोगों से शांति से मिलेंगे, लोगों से अपील करेंगे, घर घर जाएंगे, तो अब जनसेवा क्रांति पार्टी का क्या रूप मैप है इन 2 दिनों में, और आपको बूथ भी मजबूत करने हैं, वहाँ भी आपको बस्ता पहुँचाने हैं, लोगों तक पहुँचाना है, लोगों को क्या मैसेज देना है, तो ये सारी चीज़ें, और साथ में गुड़गांव की जनता से अपील क्या करते हैं? देखिए, हमने पिछले 1 महीने में जनसभाएँ की हैं, लोगों के साथ हम डोर टू डोर अभियान के तहत मिले हैं, और हमारा कोई बहुत बड़ा कैडर नहीं है, लेकिन हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से,
और धरातल पे काम करवा करके लोगों के पास हम पहुँचे हैं। इस कलम, इस चुनाव चिन्ह को हमने पहुँचाया है और हमें अच्छा लगता है। जिस कॉलोनी में हम जाते हैं, जिस मार्केट में हम जाते हैं, लोग हमें पहले से जानते हैं, लोग हमें पहचानते हैं और ये भी अच्छा लगता है कि लोग एक विकल्प चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। अब रही बात, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। बिल्कुल हम चुनाव आयोग की द्वारा दी गई जो पॉइंट्स हैं उनका हम पालन करेंगे, उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और हम कोई भी अवहेलना नहीं करेंगे उनके द्वारा जो दी गई हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर हम बिना शोर शराबे के डोर टू डोर भी जाएंगे और हमारी पूरी टीम कॉल्स भी करेंगी, हमारी पूरी टीम सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील करेंगी और मैं खुद लोगों से मिल रहा हूँ। हमने अपनी तरफ से अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी रमाकांत जी, और मैं देख रहा हूँ, मुझे दुख होता है बड़ा कि गुरुग्राम में आज चुनाव है सिर्फ और सिर्फ पैसे का, धन बल का, बाहुबल का रह गया है। लोग पैसों से आदमियों को खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक्या साझा करना चाहूँगा। आज जगह जगह कॉलोनियों में लोग जब देख रहा हूँ घूम रहे हैं, माएँ रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, वे कह रही हैं हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम ये नेता लोग कर रहे हैं। उनकी आत्मा को, उनके ज़मीर को एक शराब की पेटी से, शराब की बोतलों से, चंद रुपयों से, साड़ी से, सूट से खरीदना चाहते हैं। वो माँ रोती है, उन नेताओं को कोसती है कि ये जो हमारे युवाओं को फिर से एक बार गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, जहाँ से उनको हम निकालना चाहते हैं, जहाँ से अंकित लग कोशिश कर रहा है, जो युवा शिकार हो रहा है नेताओं का, उनको उनसे निकाला जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, दर्द होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है। राजनीतिक दलों, राजनीतिक नेताओं पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ वाक्य आपके सामने आया? ये आरोप नहीं है रमाकांत जी। एक मैंने वीडियो देखी थी भी हाल ही में, वो वायरल भी हुई थी, एक किसी नेता के कार्यालय में, चुनावी कार्यालय में, इस चुनाव के समय पे पंखे पड़े हैं, कुछ और सामान पड़ा है, कुछ कारपेट्स पड़े हैं। ये क्या है, ये क्या दर्शाता है? आप सोच के देखिए, किसी चुनाव कार्यालय में अगर इस तरह का सामान पड़ा है तो वो आरोप नहीं है, वो सच है। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो ऐसी जो मीडिया समाज में वीडियो वायरल हो रही है वो सबने देखी है। लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ रेट पड़वा रहे हैं बीजेपी वाले और तमाम दूसरे दल वाले। देखिए, ये हमें इतना राजनीति का ज्ञान नहीं है कि कौन राजनीति में किसको रेट पड़वाता है। हम तो साधारण से लोग हैं, हमें समझ में आता है कि जो चीज़ दिख रही है, आँखों से दिख रही है, तो उस पर तो हम पट्टी नहीं बांध सकते। इलेक्ट्रॉनिक सामान देके, फैन, पंखे, चटाई, ये सब बता रहे हैं आप, ये सब देके अगर वोट खरीदे जा रहे हैं, अंकित अलग क्यों पीछे? अंकित अलग नहीं कर सकते क्या? देखिए, अंकित अलग आज आपके चैनल के माध्यम से लोकतांत्रिक और संविधान के नियमों के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अंकित अलग अपने परिवार में, अंकित अलग के 6 वोट हैं। मैं समझता हूँ ये 6 वोट तो हमारे हैं, अगर 7वां जो वोट आएगा वो अंकित अलग की कमाई होगी, वो अंकित अलग ने जो काम किए हैं उसके लिए तोहफा होगा गुरुग्राम वासियों का। अगर 6ठे के बाद 7वां वोट भी आता है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं ना झुकूंगा, मैं ना रुकूंगा, ना मैं बिकूंगा। इस गुड़गांव की जनता के लिए सेवा करता रहूँगा, इस हरियाणा की जनता के लिए को जागरूक करने का काम करूँगा। 8 तारीख के बाद भी इन्हीं गली मोहल्लों में, इसी गुरुग्राम शहर के अंदर अंकित अलग आपको मिलेगा। कुछ लोग अपने फेसबुक पेज पर किसी का चुनाव चिन्ह डाल देते हैं, पत्रकार हैं, बताते हैं बहुत अच्छा तरीका है घर घर तक इस प्रकार से गिलास पहुंचाना या कुछ और चुनाव चिन्ह पहुंचाना, तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता का स्तर क्या है? आज राजनीति अपने गिरने के नए आयाम छू रही है। आज हर व्यक्ति राजनीतिक हो रहा है, हर चाहे कोई भी वर्ग हो। मैं कहूँगा, आज आप किसी भी प्रत्याशी को आप अगर समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। लेकिन आपने पत्रकारिता की बात करी, आप पत्रकार हैं और मुझे तो बड़ी हैरानी है, आप बतौर पत्रकार ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं पत्रकार हो या कोई और भी हो, आप समर्थन अगर करते हैं जो जिस क्षेत्र से आते हैं, अगर वो आपके उसके नियम आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप कीजिए। मुझे लगता है इस फील्ड में तो अलाउ होता ही नहीं है, आपकी जो फील्ड है तो वो भी बड़ा सोचने का, समझने का और चिंता करने का विषय है। अंकित जी, लास्ट में आप अपने गुड़गांव वासी और हरियाणा के जहाँ जहाँ आपके विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनसे मतदाताओं से क्या अपील करते हैं? क्योंकि 5 तारीख को मतदान होना है, आप अपनी तरफ से जनता से क्या अपील करें?
देखिए, मैं नव समाचार के जो भी दर्शक हैं, मैं समझता हूँ मैं गुड़गांव के अंदर सारी कॉलोनियों में नहीं पहुँच पाया हूँ, मैं गुड़गांव के अंदर बहुत लोगों से नहीं मिल पाया हूँ। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि आप इसको शेयर भी करेंगे, इसको देखेंगे भी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात, अपने दिल की बात आपसे करना चाहता हूँ कि आने वाली 5 अक्टूबर को जब आप वोट डालने जाएं, आँख बंद कीजिएगा, दिल पे हाथ रखिएगा, उन समस्याओं को याद कीजिएगा जिस समस्याओं के समाधान के लिए आप 5 साल गुहार लगाते रहे, आप 5 साल नेताओं को कोसते रहे, आप 5 साल प्रशासन को गाली देते रहे, उन समस्याओं को याद कीजिएगा। और इस बार कोशिश कीजिएगा, विवेक से काम लीजिएगा। बड़े नेताओं को चुना आपने, बड़े पैसे वालों को चुना आपने, ज़रूर गुरुग्राम में पैसे का खेल खेला जा रहा है, ज़रूर गुरुग्राम में लोगों को खरीदा जा रहा है, लेकिन हम जनसेवक ना तो बिकेंगे, ना बेचे जाएंगे, ना खरीदे जाएंगे। एक आपसे निवेदन करेंगे कि आप 5 तारीख को ना कमल पे ना हाथ पे इस बार मोहर लगाएं, कलम पे ईवीएम पे 6 नंबर पे जाइएगा, अंकित अलग जनसेवक, और कलम का निशान उसकी 7 किरणें पेन जो आपके बच्चों की तकदीर लिखेगा, आप गुड़गांव की तस्वीर बनाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार चमत्कार होएगा, इस बार आप सोचेंगे बड़े बड़ी दलों को छोड़ के, बड़े बड़े नेताओं को छोड़ करके अंकित अलग जनसेवक को, इस कलम को चुनेंगे। जय हिंद। हमारे बीच जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग मौजूद, जो कि गुरुग्राम विधानसभा से प्रत्याशी। उन्होंने तमाम इस बार अपने साथियों को चुनाव मैदान में उतारा, 6 विधानसभाओं पर चुनाव बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं। उनकी हमेशा से जनता से एक ही अपील रही कि आप अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो जनसेवक क्रांति पार्टी का सहयोग करें। उनका कहना है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में देश और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका साथ में ये भी कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के साथ में जो अभी तक 70 सालों में जिन पार्टियों ने नहीं दी, हमारी अभी कुछ समय पहले ही 3 साल से निरंतर अंकित अलग जो मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, तो उनके दुख और दर्द को समझ रहे हैं। उन्होंने उसी के साथ आज जनता से, चुनाव का आज अंतिम चरण है, आज अंतिम दिन है, सॉरी अंतिम दिन है, अंतिम दिन के दिन उन्होंने कहा है कि अब शोर शराबा बंद है, परंतु मेरी जनता से एक दिल की गहराइयों से एक अपील है कि आप अपनी मोहर, अपना वोट, कीमती वोट 5 तारीख को 7 किरणों की पेन की निब पर बटन दबाएं, जो कि उनका चुनाव जो नंबर है, बैलेट नंबर है उनका, वो 6 है, उस पर दबाएं। उनका साथ में ये भी कहना है कि जो लोग खरीद फरोश करने वाले लोग जो आपके बीच में हैं, उनसे बचें, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और ये सच्चाई भी है, जो लोग दारू नशा परोसते हैं, ऐसे पर चुनाव आयोग को सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग पैसे के दम पर चुनाव लड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर तो रुकना चाहिए। अंकित अलग की ये बात हमें भी अच्छी लगी और हम भी चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि इस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। देखना होगा, 5 तारीख का मतदान है। अंकित अलग ने अपनी मजबूती से 6 विधानसभाओं के लिए अपनी पार्टी की तरफ से मैसेज दिया है, अपनी विधानसभा के लिए दिया है। देखना होगा जीत का ताज किसके सिर पर सजेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेवाक खबर हर समय। धन्यवाद।